अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे आप, उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियोस देख रहे हैं और ये भी वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की जो वीडियो हम लोग लेकर आए हैं जी, हम देखने वाले हैं आज फुल गंगा आरती वाराणसी बनारस की जो गंगा आरती होती है वो हम लोग आज देखने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको और मुझे वीडियो देखने का बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आने वाला है। प्लीज़ वीडियो अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं आज। अच्छी लगती है ना, बहुत ही ज़्यादा। जब भी कोई शंख बजाता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में मेरा मन होता है, मैं भी, मेरे पास भी होता है, मैं शंख बजाऊँ। एक यूनिक आवाज़ लगती है, एक यूनिक चीज़ लगती है। देखने के लिए आते हैं।
आज की वीडियो और वीडियो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। सीरियसली हम लोगों ने देखी आज आरती, और मैंने फर्स्ट टाइम मतलब कि ऐसी वीडियो देखी। ऐसे तो बनारस की वीडियो मुझे लगता है कि मैंने कुछ कुछ वीडियोस हैं जो कि देखी नहीं है, बट ये पूरी की पूरी गंगा की आरती जो होती है वो मैंने आज देखी है, और देख के बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है सीरियसली। और मैं वीडियो में बोल रही थी कि स्टार्ट जब आरती होती है तो वो शंख बजाते हैं। वैसे मुझे पता नहीं है जो जब शंख बजाते हैं शंख बजाने का मतलब क्या होता है, वो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा मूवीज़ वगैरह होती हैं ना, जो कि रिलीजियस मूवीज़ होती हैं, उनमें अगर देखा जाए, और क्योंकि मैं अभी महाभारत हम लोग देख रहे हैं, उस पर रिएक्शन बना रहे हैं, सो उसमें भी मैं मतलब देखा है कि जब युद्ध शुरू होता है ना, तो उसके स्टार्टिंग में हर रोज़ शंख बजाते हैं, तो उसकी जो आवाज़ होती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और यूनिक लगती है। मतलब वो ऐसे बना हुआ था, ऐसे हाथों में लेके, तो ऐसे जब उसमें आवाज़ उसमें से आती है तो बहुत ही ज़्यादा ना वो एक अलग टाइप की आवाज़ होती है। और गंगा आरती की बात हो तो गंगा आरती जो है इंडिया में रिवर जो है उसको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल माना जाता है, और बहुत ही ज़्यादा पाक मानते हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि हर रोज़ गंगा आरती, ये वाली जो मैंने देखी, हर रोज़ होती है। कुछ कुछ मौका पे मतलब कि स्पेशल आरती भी होती है, कोई दशहरा आता है, क्योंकि मैंने सर्च किया था गंगा आरती के हवाले से, तो उस टाइम पे मुझे मतलब कि पता लगा कि जब दशहरा आता है तो उस टाइम पे स्पेशल गंगा आरती होती है। और गंगा माँ बोलते हैं मतलब के रिवर को, और हिंदुइज्म में आरती के थ्रू थैंक्स बोलते हैं गंगा रिवर को, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक क्यूट और बहुत ही ज़्यादा एक होता है रिस्पेक्टफुल वे है कि उनको शुक्रिया बोलने का, कि उनकी वजह से इंसानों को ज़िंदगी मिलती है, इंसानों को बहुत कुछ मिलता है। आपको पता है कि कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा प्यारी वीडियो है, और बहुत ही मज़ा आता है ऐसी वीडियोस देखने का, और वो सब कुछ देखने का जो कि हम लोगों ने ना देखा हो, या फिर ऐसी कुछ भी जब हम लोग वीडियोस देखते हैं कि हम लोग को जो फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं, या फिर हम लोग हिस्ट्री जान रहे होते हैं, इंडिया और हम मतलब एक ही रूट्स हमारे एक ही हैं, तो उसकी वजह से होता है कि हर चीज़ जो कि वहाँ पे होती है उस चीज़ का हमें भी पता होना चाहिए। और इसकी वजह से ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं जो कि मैं देख रही हूँ, और मैं ऐसे ही देखती रहूँगी आप लोगों के साथ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियोस देखने का मज़ा आ रहा होगा, और आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आपको मिलती रहूँगी ऐसी और बहुत सी वीडियोज़ में। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग।